हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोजा आईडी गेमिंग। में आज के इस वीडियो में मैं आपको स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बताने वाला हूं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप अपनी सेटिंग को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आइए सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी के आने बाद आप अपना कैमरा सेंसिटिविटी जो है इसको पहले देख लीजिए। थर्ड पर्सन नो स्कोप रहेगा 95 पे एंड फर्स्ट पर्सन रहेगा 95 पे। TTPM रहेगा 40 पे और FPPM रहेगा 40 पे। रेड डॉट 21 पे रहेगा, 2x14 पर रहेगा, 3x42, 4x35, 6x23, 8x12। अगर ये हो गया हो आपका तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंसिटिविटी की तरफ, जो है अपना ADS सेंसिटिविटी। यहाँ आने के बाद देख लीजिए जरा आप दूसरा क्या क्या लगाया है। थर्ड पर्सन है 110 पे, फर्स्ट पर्सन 105 पे, TTPM 14 पे, FPPM 13 पे, रेड डॉट रहेगा 55 पे, 2x रहेगा 14 पे और 3x55 पे, 4x35 पे, 6x15, 8x12। और आप जायरो प्लेयर हैं तो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी भी देख सकते हैं। जायरोस्कोप सेंसिटिविटी ये है, थर्ड पर्सन है 121 पे, फर्स्ट पर्सन 20 पे, TTPM है 13, FPPM 20, रेड डॉट 84, 2x22, 3x75, 4x16 और 6x15, 8x42। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।